बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं और वो भी बहुत सादा और आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। जो अज्जा उसके लिए हमें दरकार हैं, हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, उसको कट कर लिया है। तीन मीडियम साइज़ टमाटर लेके उनको काट लिया है। तीन हरी मिर्चें ले ली हैं। 250 ग्राम हमने योगर्ट ले लिया है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि उसमें कोई लंप ना रहे। हरा धनिया ले लिया है और लीमू एंड में लेमन जूस हम ज़रदा रंग मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे। 750 ग्राम चिकन लिया है हमने और 750 ग्राम ही हमने चावल ले लिए हैं। जो खड़े मसाले हमें चाहिए चावलों को बॉईल करते वक्त, उसमें एक कड़ी पत्ता है, 2 टेबल स्पून सॉल्ट है, थोड़ा सा जायफल और जावित्री है, 3 छोटी इलायची हैं और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। ये मसाले आपने चावलों को बॉईल करते वक्त उसमें डालने हैं। उसके अलावा हमें 4 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला ले लिया है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हमने दालचीनी ले ली है। तो आइए शुरू करते हैं। 1/2 कप ऑयल हमने पैन में लिया है और उसमें प्याज डाल के इसको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट आपने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। प्याज गोल्डन हो गया है, अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन भून के हमने उसमें चिकन डाल दिया है, साथ में हम उसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर भी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन भून गया है, अब हम इसमें 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल देंगे और साथ में जो टमाटर और हरी मिर्ची हमने काट के रखी हैं वो हम सारा डाल देंगे इसमें और दही ऐड कर देंगे। दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि उसमें कोई लंप ना रहे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए लिड से कवर कर देंगे हल्की आंच पे। इसमें आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टमाटर और दही के पानी में ही गल जाएगा। और ये देखें, चिकन हमारा पक के तैयार हो गया है, बड़ा अच्छा टेंडर हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम राइस बॉईल कर लेते हैं। एक पैन में पानी डाल के हमने राइस बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। साथ में हम इसके मसाले ऐड कर देंगे जो हमने शुरू में मेंशन किए थे और सॉल्ट भी डाल देंगे। राइस को हमने एक कनी रख के बॉईल कर लेना है। चावल बॉईल हो गए हैं, अब इनका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम चावलों को चिकन के ऊपर लेयर कर लेंगे। धनिया डाल देंगे। येलो फूड कलर को हमने लेमन जूस में मिक्स कर लिया है, वो हम ऊपर डाल देंगे। और 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। और ये हमारी बिरयानी तैयार है। मैं इसको अब डिश में सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो ये चिकन बिरयानी की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।